हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कुक एंड चिल। तो आज की वीडियो में हम बनाएंगे केक, वो भी पार्ले जी बिस्किट से। ये बनाना बहुत इजी है और ये बिल्कुल अच्छा केक बनता है, बिल्कुल फ्लफी बनता है। आप देख सकते हो वीडियो में जैसे ये कितना स्पॉन्जी लग रहा है। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक जार लिया है जिसके अंदर मैं ऐड करूँगी पार्ले जी के बिस्किट्स। तो सबसे पहले हमें इसे तोड़कर इसके अंदर डालना है। तो यहाँ पर मैं पार्ले जी का पूरा बिस्किट का पैकेट डाल दूँगी, आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्रश कर थोड़ा सा इसे जार के अंदर डाल दिया। तब मैं कर दूँगी इसे लेड से क्लोज़। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसे मिक्स कर लिया है, तो ये बिल्कुल पाउडर बन चुका है। तो हमें बिल्कुल इस तरीके का पाउडर ही चाहिए। तो उसके बाद यहाँ पर मैंने ली है व्हिप्ड क्रीम और मैं इसे अब ब्लेंड कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं इसे आपको करीब 5 से 7 मिनट करना होता है इस तरीके से ब्लेंड, और व्हिप्ड क्रीम जो है वो बनकर बिल्कुल रेडी हो जाती है। अगर आप हाथों से कर रहे हैं इसे तो इसे कम से कम आधा घंटा लग जाता है ब्लेंड करने में। अगर आप मशीन से कर रहे हैं तो सिर्फ 5 से 10 मिनट लगते हैं। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से ये ब्लेंड हो रही है। तो हमारी व्हिप्ड क्रीम बनकर भी रेडी है, आप देख सकते हैं बिल्कुल क्रीमी लग रही है। तो अब हम यहाँ पर पार्ले जी का जो मिक्सचर हमने रेडी किया था उसे हम एक बाउल के अंदर ऐड कर लेंगे। और उसके बाद मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 2 चम्मच पाउडर शुगर, मतलब पीसी हुई चीनी। तो आप इस तरीके से ऐड करें और उसके बाद मैं इन्हें मिक्स कर लूँगी पहले ड्राई इन्ग्रीडियंट्स को। मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर ग्रेजुअली ऐड करेंगे मिल्क, मतलब एकदम सारा नहीं डालना, धीरे धीरे कर हम इसके अंदर मिल्क को ऐड करेंगे और इसे मिक्स करते रहेंगे। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो रहा है। तो इसके बाद मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 2 चम्मच ऑयल। अब हम इसे भी मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद अब यहाँ पर मैं ले रही हूँ इनो का सैशे, तो हम उसे भी ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लें। तो आप देख सकते हैं इनो ऐड करने के बाद ये एकदम फूल गया है। तो अब हम लेंगे केक टिन, उसके अंदर पहले हम ऑयल को पूरा अच्छे से लगा देंगे, बिल्कुल साइड्स के अंदर अच्छे से हम ऑयल लगाएंगे। तो यहाँ पर अब मैं इसके अंदर लगा रही हूँ बटर पेपर। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप थोड़ा सा मैदा भी इसके ऊपर लगा सकते हैं। तो यहाँ पर बटर पेपर के ऊपर मैंने दोबारा से ऑयल लगा दिया ताकि ये बिल्कुल चिपके ना नीचे। तो अब हम बैटर जो हमने रेडी किया था केक का वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। हम इसे थोड़ा सा हिला लेंगे कि ये साइड्स के अंदर भी थोड़ा सा चला जाए। उसके बाद मैंने यहाँ पर पैन लिया है और उसके बाद मैंने इसके ऊपर एक स्टैंड रखा है, और स्टैंड के ऊपर हम केक टिन को रख देंगे और इसे कम से कम 15 या 20 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। तो 15 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं कितना अच्छे से फूल गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो टूथपिक है वो बिल्कुल साफ़ निकला है। तो हम इसे अब निकाल लेंगे और इसे हम ठंडा करने के लिए 15-20 मिनट के लिए दोबारा से रख देंगे। तो 15-20 मिनट हो चुके हैं, ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है। तो हम साइड से स्पैचुला की हेल्प से इसे थोड़ा सा खोल लेंगे। तो आप देख सकते हैं अब मैं इसके बाद इसको निकालूंगी केक को। तो ऊपर से हम थोड़ा टैप टैप कर देंगे और ये निकल चुका है केक। आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है और कितना फ्लफी बना है, स्पॉन्जी भी बना है। उसके बाद हम इसे कट कर देंगे। तो आप देख सकते हो मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ कि ये ब्रेड कितनी सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनी है, और ये रेसिपी बिल्कुल भी फेल नहीं होगी। आप इसे ज़रूर ट्राई करें और मेरे को कमेंट सेक्शन में भी बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो अब हम इसको 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देंगे। तो आपको मैं दोबारा से ये दिखा रही हूँ, ये बिल्कुल सॉफ्ट बना है। और अब हम इसके ऊपर लगा देंगे व्हिप्ड क्रीम जो हमने पहले रेडी की थी। तो व्हिप्ड क्रीम लगाने के बाद हम इसके ऊपर दोबारा से एक ब्रेड रख देंगे और उसके ऊपर हम डेकोरेट करने के लिए व्हिप्ड क्रीम से डिज़ाइन बना देंगे। तो आप देख सकते हो मैं इस तरीके से नोज़ल की हेल्प से इसके ऊपर डिज़ाइन बना रही हूँ। तो आप कोई भी डिज़ाइन इसके ऊपर अपने तरीके से बना सकते हैं।
और इसको करने के बाद मैं इसके ऊपर थोड़े से स्प्रिंकलर्स लगा दूंगी। तो यहाँ पर मैंने सिल्वर स्प्रिंकलर्स ले रखे हैं, आप देख सकते हैं, तो आप कोई भी ले सकते हैं। और यहाँ पर हमारा पार्ले जी का बिस्किट मिनी केक जो है वो बनकर रेडी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें, और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।